बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार अपनी प्रशासनिक सेवा के साथ साथ क्षेत्रीय बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए भी जाने जाते हैं। दंतेवाड़ा में अपनी पोस्टिंग के साथ वहां सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ अहम मुद्दों पर उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। यहाँ के कलेक्टर विनीत नंदनवार जी से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, हमारे साथ इस समय में जुड़े हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सर, चूंकि आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां पहले से ही लोगों को है, इसलिए हम उस पूरी पृष्ठभूमि पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपसे जानने का प्रयास ये करेंगे कि जब से दंतेवाड़ा की कमान आपने संभाली है, किस तरह के बदलाव आपने किए हैं, जो शासन प्रशासन स्तर पर यहाँ पर जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, किस तरह का उनका जो लाभ है वो लाभार्थियों तक जाए, इसकी कोशिश आपकी है? जो एज ए कलेक्टर जो रहता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा होती है और जो राज्य की योजनाएं हैं और जिसका सही तरीके से क्रियान्वयन हम लोगों का सबसे पहला टास्क होता है। और मैं क्योंकि छोटे जगदलपुर से हूं तो कोशिश ये करता हूं कि बेसिक चीज़ों पे हमारा फोकस ना हटे। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिले में मैं बात करूँ कि जैसे हम लोग राजस्व विवाद मुक्त ग्राम की एक काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो राजस्व का अमला है लोगों के जो पारा मोहल्ला तक जाके रेवेन्यू से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करता है। इसी तरह से मैं एजुकेशन में मार्गदर्शन जो कार्यक्रम है उसको हम लोग संचालित कर रहे हैं, इसमें ये बताते हैं जो मेरे तैयारी के दौरान मेरा जो अनुभव रहा है, बेसिकली सबसे बड़ी जो दिक्कतें बच्चों के साथ ये आती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है, तो उस बारे में टाइम मैनेजमेंट के बारे में और भी कई एस्पेक्ट हो सकते हैं कि मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन, इन सारे विषयों पर हम लोग बात करते हैं। इसी तरह से जिले में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इंग्लिश की पाठशाला, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम का छात्र हूं, तो अंग्रेजी को लेके एक जो मानसिकता रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज है बट वो एटमॉस्फेयर की बात होती है, तो अंग्रेजी की पाठशाला हम लोग चला रहे हैं। और कॉलेज में ड्रॉप आउट कम हो सके इसके लिए हम लोग जो है कट्टे कल्याण कुआकोंडा में कॉलेज पूरे नए बिल्डिंग जो है वहाँ पर बन रहे हैं। और लर्निंग आउटकम के लिए हमारा फोकस होता है कि किस तरह से अलग अलग शालाओं में हम लोग ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन में बांटते हुए कैसे उसको कर सकते हैं। तो पहला फोकस जो है हमारा बेसिक बुनियादी चीज़ों पे होता है। दूसरी बात, उसके बाद जो राज्य शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तीसरी बात जो है कि जैसे ज़िले में और भी जो लोकल देश काल परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल है, तो मैं यहाँ आने के बाद उस चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ। और टूरिज़्म को लेके यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, तो हम लोग इनक्रेडिबल दंतेवाड़ा, अतुल्य दंतेवाड़ा के एक उसमें परव्यू, एक अतुल्य दंतेवाड़ा के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों का जो फोकस क्या है, फोकस ये है कि माँ दंतेश्वरी का शक्तिपीठ ये है ही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर टूरिज़्म का ऑलरेडी फुटफॉल है, बाहर से भी लोग आते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से पर्यटन में कुछ कामों को करके न केवल पर्यटकों का फुटफॉल को बढ़ाया जा सके, जिसके माध्यम से लोगों, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े, ऊंची हो और ज़िले में ओवरऑल जो जो अर्थव्यवस्था है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिले। इसके लिए हम लोग कई तरह के काम ज़िले में पर्यटन को देखते हुए कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा काम है रिवर फ्रंट और कॉरिडोर का है और काम लगातार इस पर चल भी रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि जो अभी फुटफॉल जो हो रहा है और वो लगभग उससे 10 गुना ज़्यादा फुटफॉल यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ ट्राइबल म्यूज़ियम है, टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर है, ढोलकल के जो गणेश जी हैं, इस तरह के कई सारे काम जो हैं ज़िले में टूरिज़्म को लेकर हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक उद्देश्य ये है कि एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग पूरे टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उसके 2-3 दिन का पैकेज के साथ आए कि भाई हमें 2-3 दिन में देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। वैसे भी दंतेवाड़ा टूरिज्म की दृष्टि से बहुत धनाढ्य, जैसे मैंने बताया, चाहे बारसूर की बात कर लें, वो हिस्टोरिकल प्लेस है, माई जी का मंदिर है और ट्राइबल कल्चर है और यहाँ नेचुरल ब्यूटी से पूरा जिला पूरा परिपूर्ण है। तो टूरिज़्म के लिए एक पूरा ओवरऑल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जो बच्चों के लिए हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिला ग्रंथालय, जो लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे एक साथ एक जगह पर रह के बैठ सकते हैं, उस पर हम लोग का काम चल रहा है।
एक जो बड़ी चीज मुझे देखने को मिली कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको अगर वो किराए से रहते हैं तो उनको काफ़ी कुछ पे करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक यूथ हॉस्टल यहाँ पर बनाया ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर रह के यूथ हॉस्टल में रह के, और ऐसे ही हम लोग वुमेन हॉस्टल जिसमें न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली बच्चियाँ रहेंगी बल्कि जो बच्चियाँ जो काम या जो महिलाएँ हैं जो अपने शिक्षा को पूरा कर चुकी हैं और रोजगार करना चाहती हैं दंतेवाड़ा में रह के, तो उनके लिए भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल हम लोग बना रहे हैं। और हमारा जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है न केवल दंतेवाड़ा तक सीमित है बल्कि किरंदुल में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कई तरह के काम आपसे ऑक्सीजन का काम या फिर हमें तालाब के सुंदरीकरण का काम, ऐसे ही आपका बचेली में भी काम चल रहा है, बारसूर में काम चल रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि जिला एक जैविक जिला है, जैविक जिला होने के साथ साथ इसमें क्या है कि आपका हम लोग को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा, ऑर्गेनिक जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना है, तो हम लोगों का उसमें अप्रोच जो है कि हमको सबसे पहली बात तो जो ऑर्गेनिक जो ज़िले में जो ऑर्गेनिक क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जाए, दूसरी बात जो एरिया हमारे पास ऑलरेडी है उसको जो है हम लोग उसको सस्टेनेबल बना के रख सकें, तीसरी बात ऑर्गेनिक की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और इसको मार्केट से लिंक कराना, इन चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को हम लोगों ने मिलेट कैफ़े के साथ साथ सी मार्ट का भी हम लोगों ने उद्घाटन यहाँ पर भी करवाया है, सी मार्ट के माध्यम से जो लोकल प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं मार्केट लिंकेज कराने में बहुत सुविधा होगी। तो ओवरऑल कई सारे एस्पेक्ट हैं जो मैं बनूंगा बोलना चाहूँगा कि बेसिक के साथ साथ हम लोग और जो ज़िले की देश काल परिस्थिति के हिसाब से जहाँ पर लोकल पोटेंशियल है उस पर हम लोग काम करें, जैसे 211 एकड़ ज़मीन को हम लोगों ने डबल इरीगेट करवाया है, इस तरह के कई काम हमारे ज़िले में संचालित हो रहे हैं। जिस तरह से आपने माता दंतेश्वरी के कॉरिडोर का जिक्र किया, उज्जैन में हम देखते हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ और निश्चित तौर पर इससे पर्यटन के साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर रोजगार है उसे भी बढ़ावा मिल पाता है सर। और हमने देखा है कि भूपेश सरकार देवगुड़ियों के निर्माण के लिए भी काफी संकल्पित है और पहला शायद ऐसा जिला होगा दंतेवाड़ा जहां पे एक युद्ध स्तर पर इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है लगातार। कहां तक प्रक्रिया पहुंच चुकी है और कब तक ये जो पूरा एक कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया कि निर्माण का वो पूरा हो सकता है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रही है कि आदिवासी जो संस्कृति है उसको हमको बढ़ावा देना है, और तो दंतेवाड़ा ज़िला में ही जो है देवगुड़ी निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और हर एक ग्राम पंचायत में एक देवगुड़ी को जो संस्कृति के हिसाब से डेवलप करना था तो वो काम दंतेवाड़ा में पूरा किया जा चुका है, और दंतेवाड़ा के ही बाद जो है अलग अलग पूरे बस्तर संभाग और राज्य के अन्य जिलों में भी देवगुड़ी के संवर्धन और संरक्षण का काम किया गया है। अब हम लोगों ने दंतेवाड़ा में जो है कि न केवल देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन का काम किया है बल्कि वहाँ पर उस एक पार्टिकुलर एरिया का सामुदायिक वनाधिकार पट्टा भी ताकि वो संरक्षित रहे इसका भी हम लोगों ने प्रदान किया है, तो ये लगभग काम कम्प्लीट हो चुका है। ये भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि विकास के पथ पर किस तरह से जो दंतेवाड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और निश्चित तौर पर सर जो आपका योगदान है वो उसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार किसी भी तरह का प्रारूप यदि निर्धारित करती है जब तक प्रशासनिक अधिकारी उस पर अच्छी तरह से फोकस न कर पाए वो पूरा नहीं हो पाता। और हमने देखा कि जब से आपने दंतेवाड़ा जिले की कमान संभाली है जितने भी लंबित यहां पर काम थे वो पूरे हुए हैं। आगे क्या विजन आप इस विधानसभा को लेकर के चल रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, चूंकि उस तरफ भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी होंगी, लेकिन जो विकास का काम है वो भी अवरुद्ध ना हो तो उसे किस तरह से आप बैलेंस करेंगे, क्या विजन रहेगा? वैसे तो मैं पॉलिटिकल पर्सन हूं तो मैं यही बताऊंगा कि जो टास्क हम लोगों को दिया जाता है वो ही हम लोग करते हैं, और मैं जैसे पहले भी कहा हूं कि अलग अलग संभावनाएं आप समय के साथ जो है अलग अलग चीजें सामने आती है, तो ओवरऑल जिले का डेवलप करना डेवलपमेंट जो मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं उसको पूरा करूंगा और बहुत संभावनाएं हैं ज़िले में, चाहे हम उसके और भी चीज़ों की बात कर सकें तो उन सारी चीज़ों पे अभी हम लोगों की प्लानिंग भी चल रही है आने वाले समय में, जो जहां पर गैप है लोगों की, अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें मतलब दंतेवाड़ा के लोगों की 20-25% लोग जो हैं गरीबी से ऊपर उठे हैं, इस तरह से कई और फैक्टर हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें काम किया जा सकता है, चाहे वो सड़क की कनेक्टिविटी की बात हो। 3 ग्राम पंचायत हमारे ऐसे थे जहां पर आज़ादी के बाद से, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और सभी को पता है कि वहां पर काम कर पाना बहुत कठिन था, अब जब नक्सलवादी गतिविधियां जो सरकार के प्रयासों की वजह से कम हुई है तो 3 ग्राम पंचायत जिसका आज़ादी के बाद से विद्युतीकरण नहीं हो पाया था वो हम लोगों ने कराया, तो कई तरह के गैप, क्योंकि ये कहना कि जो देश काल परिस्थिति है यहाँ के ज़िले की रिक्वायरमेंट है और जो सस्टेनेबल रहे
उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इसी मॉडल पे और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को बहुत अच्छे से क्रियान्वित करना है और जो जिले में पोटेंशियल है उसका पूरा उपयोग करते हुए जिले को आगे बढ़ाना है, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, लोगों को और ज़्यादा शिक्षित करना है, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो लगातार जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वित करना है और जन जन तक इसका लाभ पहुंचे, ऐसी कलेक्टर साहब की भी मंशा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और तमाम जो अहम बातें थी उस पर भी आपने फोकस किया। टीवी 24 के लिए कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा, दंतेवाड़ा।